नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बताया कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में इस टाटा आईपीएल का नवा मुकाबला खेले जाने वाला है, और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंडली की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि भाई फ्लॉप जाने वाले हैं, और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि भाई सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। और इस आईपीएल के पिछले प्रेडिक्शन हमने किए हैं और जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से खिलाड़ी फ्लॉप भी हुए हैं, जिनके बारे में बोला कि भाई ये खिलाड़ी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा उस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है। यानी कि पिछले सारे के सारे प्रेडिक्शन हमारे काफी बेहतरीन गए हैं और इस वाले मुकाबले का भी प्रेडिक्शन हम कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इन सभी खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीबीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। और गाइस, इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा ऑफर लाया हूं जो कि आपको और कोई फैंटेसी ऐप नहीं दे सकती। मैं आपके लिए लाया हूं नो कमीशन कॉन्टेस्ट, मतलब जीतने का मजा और अब बड़ा हो जाएगा, मतलब सारा पूल मनी आपको ही मिलेगा। अब जानने के लिए वीडियो देखते रहो, और साथ ही साथ मैं आपको पिच रिपोर्ट भी बताने वाला हूं कि इस पिच की रिपोर्ट क्या है और इस वाले पिच के ऊपर कौन से बॉलर को अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा, और इन दोनों टीमों की मैं आपको प्लेइंग 11 भी बताने वाला हूं, और इन दोनों टीमों के बीच में मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताने वाला हूं। यानी कि 70% आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि मैच के अंदर होने क्या वाला है। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड बताया था। तो पिछले 5 साल का अगर इनका T20 का डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई 9 मुकाबले टोटल खेले गए हैं, जिनमें से 3 मुकाबले जीते हैं राजस्थान रॉयल्स ने और 6 मुकाबले जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। तो दिल्ली कैपिटल्स का जो रिकॉर्ड है वो राजस्थान रॉयल के सामने काफी जबरदस्त है और काफी ज्यादा मुकाबले जीते हुए हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। तो ये चीज भी आप दिमाग में रख के जोर से चला, भले ही राजस्थान रॉयल्स ने पिछला मुकाबला लखनऊ के साथ में जीता हो, लेकिन अब की बार दिल्ली कैपिटल्स के सामने हार भी सकती है, क्योंकि भाई आपको बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स भी ऑलरेडी 1 मुकाबला हार के ही खेलने वाली है, तो वापसी तो दिल्ली कैपिटल्स करेगी ही करेगी। तो इसीलिए भाई इस वाले पॉइंट को भी आप नोट डाउन करके जरूर से रखना। बाकी वेन्यू की बात की जाए तो स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ये मुकाबला खेले जाने वाला है, और इस पिच की बात की जाए तो भाई पिच पूरा पूरा बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब ये वाला जो पिच है ये बैटिंग करने वाले खिलाड़ियों को काफी अच्छा हेल्प करता है और बैटिंग करने वाले खिलाड़ी काफी अच्छे रन भी बनाते हैं। बाकी गेंदबाज की बात की जाए तो यहाँ पे स्पिनर इंपॉर्टेंट होता है, और स्पिनरों को ये वाला पिच काफी अच्छी मदद करता है और स्पिनर यहाँ पे काफी ज्यादा ही विकेटें चटकाता है। बाकी वेदर कंडीशन की बात की जाए तो भाई मौसम क्लियर होने वाला है, कोई भी बारिश वगैरह आने का चांसेस यहाँ पे नहीं होगा, आराम से आप पूरे मैच को भी एंजॉय कर पाओगे। बाकी रिसेंट के 5 T20 मुकाबलों की बात की जाए इस वाले वेन्यू के ऊपर तो यहाँ पे एवरेज जो रन बना है वो यहाँ पे 180 के आसपास बना है, और विकेटें जो निकली है वो 9 विकेट के आसपास निकली है, जिनमें से 6 विकेट निकाली है तेज गेंदबाज ने और यहाँ पे 3 विकेट यहाँ पे स्पिनर के नाम आई है। तो भाई यहाँ पे वैसे स्पिनर तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ तेज गेंदबाज भी चल जाता है और तेज गेंदबाज भी विकेटें चटका देता है। यानी कि इस वाले वेन्यू के ऊपर जो तेज गेंदबाज और स्पिनर है दोनों को हेल्प मिलती है और दोनों ही काफी अच्छी विकेटें चटकाते हैं, तो ये चीज भी आप नोटिस जरूर कर लेना। बाकी इस वाले वेन्यू के ऊपर फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है वो 180 के आसपास बनता है और सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 148 के आसपास बनता है। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि भाई जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है रन काफी अच्छे बना सकती है, ये चीज भी नोटिस जरूर कर लेना। बाकी जो भी टीम पहले बैटिंग करती है जीतने के चांसेस उनके ज्यादा ही होते हैं। बाकी दोनों टीमों के पास फिलहाल ये 4-4 खिलाड़ी काफी जबरदस्त है, जिनमें से टॉप बैट्समैन की बात की जाए तो जोश बटलर है, यशस्वी जायसवाल है, और दिल्ली कैपिटल्स के 2 बैट्समैन की बात की जाए जो कि भाई टॉप है, जिनमें से पहला खिलाड़ी डेविड वार्नर, दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो मिचेल मार्श। ये 2 बैट्समैन भी काफी जबरदस्त है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तो ये चीज नोटिस जरूर कर लेना। बाकी टॉप बॉलर की बात की जाए तो भाई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से युजवेंद्र चहल है और इसके बाद ट्रेंट बोल्ट है, ये 2 बॉलर भी काफी जबरदस्त है राजस्थान की तरफ से, और दिल्ली की तरफ से मिचेल मार्श और नोटिया, ये 2 बॉलर भी काफी जबरदस्त है। यानी कि दोनों टीमों के मिला के ये 4 बॉलर काफी जबरदस्त है और दोनों टीमों के मिला के ये 4 बैट्समैन काफी जबरदस्त है, तो ये चीज भी आप नोटिस जरूर कर लेना। बाकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की जाए दोनों टीमों की तो भाई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शुरू में आपको जोश बटलर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल खेलते हुए नजर आ सकते हैं, संजू सैमसन तीसरे नंबर पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं, रियान पराग आपको चौथे नंबर पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं, 5वें नंबर पे सिमरन हेटमायर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, 6वें नंबर पे दुरू जुरेल खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग यहाँ पे मिचेल मार्श और डेविड वार्नर करते हुए नजर आ सकते हैं, इसके बाद 3रे नंबर पे शाही होपी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, 4थे नंबर पे ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ सकते हैं, 5वें नंबर पे रॉकी भोई खेलते हुए नजर आ सकते हैं, 6थे नंबर पे ट्रस्टन स्टब्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये बैटिंग लाइनअप कुछ इस तरीके से है इनका। बाकी इस बैटिंग लाइनअप में कोई चेंजिंग भी होता है और कुछ अपडेट भी देना होगा आपको तो वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी फिलहाल मैंने आपको पिच रिपोर्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड डिटेल से बता दिया है। बाकी अब मैं आपको बता देता हूं कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए बेस्ट होगा और कौन से खिलाड़ी को हमको ड्रॉप आउट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो नो कमीशन कॉन्टेस्ट और जीत सकते हो बहुत बड़ा प्राइज। 28 मार्च का जो टाटा आईपीएल का मुकाबला है राजस्थान और दिल्ली के बीच में, मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप अभी और टीम बनाओ, ज्वाइन करो
करो नो कमीशन कॉन्टेस्ट और ले जाओ पूरा प्राइज पूल अपने घर। इस कॉन्टेस्ट में कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि पूरा प्राइज मनी विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है और मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा, तो जल्दी करो स्लॉट फुल ना हो जाए और टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिनमें फर्स्ट प्राइज ही मिनिमम 1 करोड़ है, तो सोचो और कितने बड़े प्राइज होंगे। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड ये यूज करो और फर्स्ट डिपॉजिट पे ही आपको 20% का रियल कैश ऑफर मिलेगा, यानी कि अगर आप 1000 रुपए डिपॉजिट करोगे तो 1200 मिलेंगे और 10000 डिपॉजिट करोगे तो 12000 मिलेंगे और साथ ही मिलेगा 1500 रुपए का कैश बोनस भी। तो मैंने तो अपनी टीम बना ली है माई 11 सर्कल ऐप के ऊपर राजस्थान और दिल्ली के मैच की, आप भी जाके जरूर से बनाना, डिस्क्रिप्शन में आपको माई 11 सर्कल ऐप का लिंक मिल जाएगा। बाकी अब हम बात करते हैं कि इन सभी खिलाड़ियों में से हमको कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपर ही पर देखोगे तो यहाँ पे आपको संजू सैमसन देखने को मिल जाएंगे, ध्रुव जुरेल देखने को मिल जाएंगे, अभिषेक पोरल देखने को मिल जाएंगे, शाही होपी देखने को मिल जाएंगे, ऋषभ पंत देखने को मिल जाएंगे, नीचे आपको जोस बटलर देखने को मिल जाएंगे, ट्रस्टन स्टब्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी नीचे के ये 2 खिलाड़ी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं तो आप इनको छोड़ के चल सकते हो। अभी ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इस वाले मुकाबले के अंदर आप लेके चल सकते हो, यहाँ पर आप संजू सैमसन को लेके चल सकते हो। पिछले मुकाबले के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिला था और इस वाले मुकाबले के अंदर भी ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं और साथ ही साथ ये विकेट कीपिंग भी करेंगे तो वहां से भी ये स्टंप आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए भाई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी अब की बार संजू सैमसन भी वापस होने वाला है, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इस वाले मुकाबले के अंदर भी इनको लेके चल सकते हो। बाकी ध्रुव जुरेल की बात की जाए तो भाई अब की बार अगर आप ड्रॉप आउट करना चाहो तो भाई ध्रुव जुरेल को कर सकते हो, क्योंकि भाई यशस्वी जायसवाल अब की बार टिकने वाले हैं और काफी लंबी पारी खेलने वाले हैं, तो इसीलिए रिस्क लेके इनको ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। और वैसे भी दिल्ली कैपिटल्स पिछला मुकाबला हारी है तो भाई वापसी करने की पूरी कोशिश वो भी करेगी और वो भी विकेट राजस्थान की काफी जबरदस्त निकालने वाली है, तो इसीलिए भाई हम यहाँ पे ध्रुव जुरेल को ड्रॉप आउट करके चल सकते हैं। बाकी अभिषेक पोरल की बात की जाए तो इनको भी अगर आप चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, क्योंकि ये भी ज्यादा कुछ खास प्लेयर नहीं होने वाले हैं और इनकी भी विकेटें जल्दी ही निकलेगी। बाकी शाही होपी की बात की जाए तो भाई पिछले मुकाबले के अंदर इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला था और इस वाले मुकाबले के अंदर भी शाही होपी काफी जबरदस्त रन बनाने वाले हैं, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर शाही होपी को भी लेके चल सकते हो। बाकी ऋषभ पंत को आप इस वाले मुकाबले से ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, क्योंकि अब की बार इनके फ्लॉप होने के भी चांसेस हो सकते हैं, पिछले मुकाबले के अंदर भी ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है और इस बार भी जल्दी इनका विकेट चटक सकता है क्योंकि फॉर्म ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसीलिए भाई आप इनको ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी जोस बटलर की बात की जाए तो भाई पिछले मुकाबले के अंदर ये भी जल्दी फ्लॉप हो गए थे, लेकिन अब की बार भाई जोस बटलर भी काफी जबरदस्त बैटिंग करते हुए आपको नजर आने वाला है, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जोस बटलर को लेके चल सकते हो। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में ये 3 खिलाड़ी फिलहाल आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं, जिनमें से पहला खिलाड़ी संजू सैमसन, दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो शाही होपी, तीसरा खिलाड़ी आपका जोस बटलर। तीनों के तीनों खिलाड़ी बेस्ट है, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और स्पेशली इस वाले मुकाबले के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, तो आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी ट्रस्टन स्टब्स को भी आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी विकेट कीपर वाले सेक्शन में कौन सा होगा वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी क्या इन तीनों ही खिलाड़ियों में से हमको किसी खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊपर ही पर देखोगे तो यहाँ पर आपको डेविड वार्नर देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यशस्वी जायसवाल देखने को मिल जाएंगे, सिमरन हेटमायर देखने को मिल जाएंगे, रॉकी भुवी देखने को मिल जाएंगे, पृथ्वी शाह देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये जितने भी नीचे खिलाड़ी है सारे के सारे खिलाड़ियों के खेलने के चांसेस कम होंगे और लाइनअप में आने के चांसेस भी कम होंगे, तो इसीलिए फिलहाल हम इनको छोड़ के चलेंगे। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में ऊपर वाले खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं डेविड वार्नर की। पिछले मुकाबले के अंदर आपको बताया कि डेविड वार्नर ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए थे, जल्दी आउट भी हो गए थे, लेकिन भाई दिल्ली कैपिटल्स जीतने की पूरी कोशिश इस वाले मुकाबले को पूरी करने वाली है, तो इसीलिए भाई डेविड वार्नर भी आपको काफी अच्छे रन बनाते हुए नजर आने वाले हैं, तो अगर आप चाहो तो भाई अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर डेविड वार्नर को लेके चल सकते हो। बाकी यशस्वी जायसवाल की बात की जाए तो भाई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ये भी होने वाले हैं, लेकिन पिछले मुकाबले के अंदर ये भी फ्लॉप गए थे लखनऊ के सामने, लेकिन अब की बार भाई यशस्वी जायसवाल भी आपको काफी अच्छे रन बनाते हुए नजर आने वाले हैं, तो भाई यशस्वी जायसवाल का भी ऑप्शन काफी बेस्ट रहेगा, तो आप अपनी हर टीम के अंदर यशस्वी को भी जरूर से लेके चलना। बाकी सिमरन हेटमायर को यहाँ पे ड्रॉप आउट कर लेना, रॉकी भुवी को यहाँ पे ड्रॉप आउट कर लेना, ये भी ज्यादा कुछ खास प्लेयर नहीं होने वाले हैं। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में नीचे से भी हमारे पास ज्यादा कुछ खास प्लेयर नहीं है, तो हम इनको छोड़ के चलेंगे। बाकी फिलहाल मैंने ये 2 खिलाड़ियों को लिया है जो कि भाई हमारे लिए बेस्ट होने वाले हैं और काफी अच्छी बैटिंग भी करते हुए आपको नजर आएंगे, तो आप भी चाहो तो भाई बैटिंग वाले सेक्शन में ये 2 खिलाड़ियों को लेके चल सकते हो। बाकी क्या इन दोनों ही खिलाड़ियों में से हमको किसी खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊपर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको रियान पराग देखने को मिल जाएंगे, अक्षर पटेल देखने को मिल जाएंगे, रविचंद्रन अश्विन देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद मिचेल मार्श देखने को मिल जाएंगे, सुमित कुमार देखने को मिल जाएंगे, पोविल वैसे भी नहीं खेलने वाले हैं और यहाँ पे ललित यादव भी नहीं खेलने वाले हैं, तो इन दोनों खिलाड़ियों को हम छोड़ के चलेंगे। बाकी ये सारे के सारे ऊपर से खिलाड़ी हमको यहाँ पे ऑलराउंडर
स्टैंडर्ड से देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रियान प्राग की। पिछले मुकाबले के अंदर भी प्राग ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और इस वाले मुकाबले के अंदर भी ये चल सकते हैं, तो इसीलिए भी हम राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक खिलाड़ी रियान प्राग को लेकर चलेंगे। बाकी अक्षर पटेल ने पिछले मुकाबले के अंदर ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन पिछले आईपीएल के रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है और पिछला मुकाबला भाई वैसे भी ये हार के आ रहे हैं, तो भाई वापसी करने की पूरी कोशिश करने ही वाले हैं, तो इसीलिए इस कंडीशन में अक्षर पटेल भी आपको काफी अच्छे रन भी बनाते हुए नजर आ सकते हैं और विकेटें भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं, तो इसीलिए भाई स्पेशली अक्षर पटेल को आप जरूर से नोटिस करके चलना। बाकी रविचंद्रन अश्विन की बात की जाए तो भाई पिछले मुकाबले के अंदर ज्यादा कुछ खास विकेटें तो नहीं चटका पाए थे, बैटिंग भी इनकी नहीं आ पाई थी और इस वाले मुकाबले के अंदर भी आप चाहो तो इनको ड्रॉप आउट करके चल सकते हो क्योंकि भाई बैटिंग काफी ज्यादा नीचे है इनकी। बाकी इनकी जगह पर अगर आप ग्रैंडली की टीम के अंदर लेना चाहो तो भाई मिच मार्श को जरूर से लेके चलना। काफी सारे लोग मिचेल मार्श को भी इस बार भी ड्रॉप आउट करके चलेंगे, लेकिन ड्रॉप आउट बिल्कुल भी नहीं करना है, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आपको अच्छे खासे रन भी बना के दे सकते हैं और विकेटें भी निकाल के दे सकते हैं, तो मिचेल मार्श का भी ऑप्शन बेस्ट होगा, तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर मिचेल मार्श को भी जरूर से लेके चलना। बाकी फिलहाल तीन खिलाड़ी मैंने ऑलराउंडर से लिए हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बाकी क्या इन खिलाड़ियों में से हमको किसी खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्रेंट बोल्ट देखने को मिल जाएंगे, खलील अहमद देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद कुलदीप यादव देखने को मिल जाएंगे, ईशांत शर्मा देखने को मिल जाएंगे, नांद्रे बर्गर देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे युजवेंद्र चहल देखने को मिल जाएंगे, एस शर्मा देखने को मिल जाएंगे, अवेश खान देखने को मिल जाएंगे, मुकेश कुमार देखने को मिल जाएंगे, बाकी नीचे के कई सारे खिलाड़ी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं। अभी ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको बॉलिंग से देखने को मिल जाते हैं। अभी इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो खिलाड़ी हम लेके चलेंगे वो ट्रेंट बोल्ट को लेके चलेंगे। पिछले मुकाबले के अंदर आपको बताया कि ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले के अंदर ही विकेटें चटका दी थी और इस वाले मुकाबले के अंदर भी ट्रेंट बोल्ट चलने ही वाले हैं क्योंकि भाई एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और साथ ही साथ तेज गेंदबाज भी है और कहीं ना कहीं ये वाला पिच इनको सपोर्ट भी करता है, तो इसीलिए भाई यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे अब की बार भी, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको भी जरूर से लेके चलना। बाकी खलील अहमद भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि भाई रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है, विकेटें ये भी काफी जबरदस्त चटकाते हैं, तो इसीलिए हम इनको लेके चलेंगे। बाकी यहाँ पे एक खिलाड़ी हम बिल्कुल रिक्सी खिलाड़ी लेने वाले हैं और वो है यहाँ पर नांद्रे बर्गर। नांद्रे बर्गर भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी है, रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है इनके भी, काफी अच्छी विकेटें ये भी चटकाते हैं, तो इसीलिए हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको लेके चलेंगे। बाकी हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है जो कि आप देख सकते हो। विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने तीन खिलाड़ी को लिया है जिनमें से संजू सैमसन, शाई होपी और जोस बटलर होंगे। इसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो दो खिलाड़ी होंगे जिनमें से पहला खिलाड़ी डेविड वार्नर, दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो तीन खिलाड़ी लिए हैं जिनमें से पहला खिलाड़ी रियान प्राग, दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो अक्षर पटेल, तीसरा खिलाड़ी मिचेल मार्श। बॉलिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो तीन खिलाड़ी यहां से भी लिए हैं जिनमें से ट्रेंट बोल्ट है, खलील अहमद है और नांद्रे बर्गर है। तो ये खिलाड़ी और ये टीम हमारी कुछ इस तरीके से होने वाली है जो कि यहां पर आप देख सकते हो। काफी बेहतरीन तरीके से हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है और जो खिलाड़ी लिए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी है। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा जो कैप्टन रहेगा वो यशस्वी रहने वाला है और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो मैं मिचेल मार्श को करने वाला हूं। दो खिलाड़ी ये भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आने वाले हैं, तो सीवीसी कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। बाकी इस वाले मुकाबले की हमारी फाइनल ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है जिसके अंदर हम रिक्सी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, रिक्सी तरीके से सीवीसी बनाने वाले हैं, यानी कि वो वाला वीडियो पूरा ग्रैंड लीग के ऊपर ही होने वाला है। तो उस वाली वीडियो का भी आप इंतजार जरूर से करना क्योंकि वो वाली वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और माई इलेवन सर्कल ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो भाई फटाफट से डाउनलोड कर लेना क्योंकि नो कमीशन ऑफर वहाँ पर आपको मिल रहा है, यानी कि नो कमीशन कॉन्टेस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइज पूल पूरा विनर्स को ही मिलेगा और 20% वहाँ पे फर्स्ट डिपॉजिट पे कैश बैक भी मिल रहा है। तो भाई काफी जबरदस्त एप्लीकेशन है, जाके जरूर से डाउनलोड करना माई इलेवन सर्कल ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। आप कितनी टीमें बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।